आनंद वाकई टॉक। कैसे हो आप सब? आज ना बहुत दिनों बाद मैं किसी को मैनेज किए हो के मार्केट जाने के लिए। सो अभी हम जा रहे हैं, हमारी पास का एक ना मार्केट है उधर पे। मेरा हालत देख के आपको समझ आ गया है कि तबीयत मेरा एकदम नरम गरम है। सो पैर में बहुत दर्द है, कितना चल पाऊंगी पता नहीं, फिर भी इच्छा जो है वो कंट्रोल करने का नहीं है। सो अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने आपके साथ, तो चलिए। आज किसी ने मेरा दिल खुश कर दिया, इतना मैं खुश हो गई कि घर से निकल के नए मास्क पहना भूल गई, इसीलिए ऐसे करके चल रही हूँ। आगे देखते हैं कि कहाँ मास्क मिलता है। और ये हर वक्त हाउसिंग करता है कि बाइक में चलने के लिए, और मुझे बहुत डर लगता है। आज क्या इसको सूझा पता नहीं, लेकिन आज पब्लिक व्हीकल में चलने के लिए ये राजी हो गया है। और इसी खुशी में मैं अपना मास्क घर पे भूल आई, तो अभी इससे ही हम काम चला रहे हैं। आगे जहाँ पर मास्क मिलेगा खरीद के डाल लेंगे। ये है बाली का हफ्ता बाजार। हफ्ते में एक बार ये बाजार बैठता है, इसीलिए इसका नाम है हफ्ता बाजार। क्या नहीं मिलता है, सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, ग्रॉसरी, जूता, कॉस्मेटिक्स, एवरीथिंग यहाँ पे मिलता है, वो भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। और क्वालिटी का बात मत पूछो, बहुत अच्छा क्वालिटी का हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। कोलकाता के नाम जब भी आता है ना, तो हम लोग सोचते हैं के धर्मतला, हाथी बागान, गोरियाहाट, ये सारा मार्केट का नाम ही सबसे पहले आते हैं। बाहर से भी लोग आते हैं, बांग्लादेश से भी बहुत लोग आते हैं, तो उधर ही जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए। लेकिन ये बाज़ार भी कुछ कम नहीं है उनसे। कलेक्शन इसका उतना ह्यूज कलेक्शन आपको नहीं मिलेगा इधर, लेकिन जितना भी मिलेगा वो भी बहुत फैशनेबल मिलेगा। अभी क्वेश्चन है यहाँ पे आप आओगे कैसे? अगर आप हावड़ा से आते हो तो बाली स्टेशन में उतरना पड़ेगा आपको। स्टेशन के उतरने से ही ये बाज़ार शुरू हो जाता है। अगर शियालदा से आ रहे हो तो बाली घाट स्टेशन पे आपको उतरना पड़ेगा। ट्रेन से आइए, बस से आइए, स्टॉपेज आपका सेम रहेगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके ये मार्केट आपको दिखाते हैं। मास्क खरीदा, अभी आगे जाएंगे, लेकिन कोविड के वजह से ना यहाँ पे ज्यादा दुकान नहीं खुला है और बाहर नॉइज बहुत ज्यादा है। तो चलिए आगे आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या मिलता है और हम क्या क्या खरीद पाते हैं। हम जब आए हैं ना यहाँ पे, अभी बंद होने का टाइम है जी, हाँ, लेट हो गया हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे एक्साइटिंग चीज आपके साथ हम शेयर किए हैं। ये देखिए यहाँ पे ढेर सारा कुर्तीज और 90s का कलेक्शन है। 90 यहाँ पे 90 रुपए से स्टार्ट होता है, फुल कॉटन का, ऊपर जाता है 300-350 तक भी मिलता है, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और कुर्ती जो है वो भी फुल कॉटन का है, लियोन का है, जो भी रिसेंट ट्रेंड्स है वो सारे डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए फुल कॉटन का जो ओढ़ना है, हम लोग तो दुपट्टा ओढ़ना ऐसे ही कहते हैं, ये 50 रुपीज़ से यहाँ स्टार्ट होता है और 150 तक आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे मिल जाएगा। प्योर कॉटन है। কত করে? 7 টাকা। কম করবে না? আরে এগুলো 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 কত করে? 80 টাকা।
कोरोना के वजह से ना बहुत सारे दुकान अभी नहीं खुल रहा है, नहीं तो ये मार्केट में और ज़्यादा रौनक लगा रहता है, बहुत बहुत भीड़ होता है। अभी तो कुछ भी नहीं है, मिल गया है। अभी 100 रुपए दीजिए प्लीज। ये लीजिए, निकाल के दीजिए। अभी फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे लेगिंग्स जो मिलता है लेडीज़ वेयर का, फुल कॉटन का मिलता है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। 90 रुपीज़ से शुरू होता है और मैक्सिमम 150 ये लोग जाता है, उससे ऊपर ये लोग नहीं जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। क्वालिटी कंप्रोमाइज ये लोग नहीं करते हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छा मिलता है और दाम भी बहुत रिजनेबल है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आने के लिए और यहाँ पे आके खरीदने के लिए। मैं बहुत सारा आज खरीदारी किए हूँ और इनका जो है ना मनी बैग पूरा खाली कर दिया हूँ। तो आगे चलते हैं, मेरा जो कुछ भी लेना था वो लेना हो गया है, अभी घर लौटेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। ये भी बहुत उठ रहा है और मार्केट भी बंद हो रहा है और घर पे जाके क्या करना है भूल गए। सो फ्रेंड्स आ गए हम घर वापस। एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब हम वहाँ पे खड़े होके जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो मैं तो इस तरफ खड़ी होके बोल रही थी और मेरे पीछे ऐसे लाइन करके घूम के कितना आदमी सब खड़ा हो गया और हाँ ऐसे ऐसे करके देख रहा कि ये क्या हो रहा है। तो वो देखे ना मेरा पूरा हौच-पौच हो गया। फिर मुझे बहुत शर्म आ गया, मैं बोला कि बंद करो ये सब, घर जाके बात करते हैं। एक्चुअली ये मार्केट पे जब हम गए थे ना, ये बहुत पुराना मार्केट है और इस मार्केट के बारे में मुझे पहले पता नहीं था। तो हम जनरली बड़ा बाजार जाते थे, गोरियाहाट जाते थे, न्यू मार्केट जाते थे, लेकिन घर के नज़दीक मतलब एकदम 5 मिनट की दूरी पे इतना अच्छा मार्केट है। जब हम फर्स्ट डे गए ना तो हाय राम, ये तो हम जहाँ से ऐसे बोलते हैं कि सो कॉल्ड रिजनेबल और सस्ता चीज़ मिलता है अच्छे क्वालिटी का, वो उससे भी बेहतर है। तो वहाँ पर अभी लॉकडाउन के वजह से वहाँ जाना भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आपका खुद का व्हीकल होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको भरोसा करके चलना पड़ता है तो छोड़ दीजिए। तो इसीलिए हम बार बार यहाँ जाते हैं। अभी कोविड के वजह से भी ये मार्केट बहुत दिनों तक बंद था। तो अभी पूजा का टाइम आ रहा है तो अभी मार्केट खुलने लगा है। अभी आपने जो देखा ना वो तो लास्ट वाला मतलब ये दिन में शुरू होता है और रात तक शाम तक चलते हैं। तो अभी इन लोगों का क्लोजिंग टाइम था तो हम भाग भाग के जितना भी मेरा ज़रूरत का चीज़ था वो खरीदा और फिर चले आए। और तब भी बहुत सारे दुकान उठ भी गए मतलब क्लोज भी हो गए थे। सो अगर इतना तक आपने ये वीडियो देखा है मतलब आपको अच्छा लगे तो अच्छा, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं आपसे और एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।